तीन महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और पूरी दुनिया की नजर 23 जून पर टिकी है, क्योंकि इस दिन दुनिया के वो तीन बड़े लीडर मिलने जा रहे हैं जिनका महज एक इस युद्ध और युद्ध के बाद के हालात की दशा और दिशा बदल सकता है। क्योंकि ये तीन लीडर हैं रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और भारत के पीएम मोदी। इतना ही नहीं बल्कि करीब दो साल से चीन और भारत के चल रहे विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 23 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में राजनीतिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन हैं। इस बीच अब दोनों ही गुटों की कोशिशें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपने साथ लाने की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन को घेरने के लिए बने क्वाड की जापान में शिखर बैठक के बाद अब ब्रिक्स देश अपनी बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड और ब्रिक्स को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन इन दोनों संगठनों में भारत शामिल है। ये भारत की बढ़ती अहमियत है कि दोनों ही संगठन किसी भी तरह से भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। ये बैठक वर्चुअल होगी, लेकिन सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इस बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी की जिम्मेदारी चीन को सौंपी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े बैठक में पुतिन भाग लेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर होगी। रूस की ओर से पुतिन के हर एक बयान पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो सकती है, साथ ही ब्रिक्स की आगे की रणनीति पर भी बात होगी। अब आप समझिए कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स दुनिया की उभरते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसमें 5 देश शामिल है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर BRIC और S से मिलकर इस समूह का नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। पहले इस समूह में 4 ही देश भाग लेते थे और इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में नए देश दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील और नए औद्योगिकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। चीन और रूस की कोशिशें भारत को अपने पाले में बनाए रखने की होंगी। वहीं पीएम मोदी को ये फैसला लेना होगा कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।